नोएडा के सुपर टेक ट्विन टावर की यहां पर विस्फोटक लगाने का काम जारी है। आपको बता दें कि पहले इस बिल्डिंग को 21 अगस्त को गिराया जाना था, लेकिन अब इसे 28 अगस्त को ब्लास्ट कर गिराया जाएगा, ढाया जाएगा। 13 अगस्त से यहां पर विस्फोटक लगाने का काम जारी है। आपको बता दें कि विस्फोटक की मात्रा 3700 किलोग्राम होगी, जिसे धीरे धीरे करके लगाया जा रहा है। हर रोज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक इन 12 घंटों के भीतर विस्फोटक लगाया जाता है। यही वजह है कि बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों को करीब 10 घंटे के लिए घर खाली करने के आदेश भी दिए गए हैं। ट्विन टावर गिराने को जो विस्फोटक लगना है उसकी मात्रा कुल 3700 किलोग्राम है। इसे बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। जल्द ही बिल्डिंग को ब्लास्ट करके गिरा दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा। 28 अगस्त तारीख तय और बिल्डिंग भी तय है, सुपर टेक ट्विन टावर। दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट, सुनिए। मेरे साथ इस वक्त आरडब्ल्यू की तरफ से तेवटिया जी हैं। सर, मैं समझने की कोशिश करूं, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो शायद सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, वो है कि अब वो जो आसपास के लोग रहते हैं उनके लिए क्या कुछ किया जाए। एक साल से वही प्रॉब्लम चल रही है कि वो इतना नज़दीक है, 9 मीटर दूर है। हालांकि जो एडिफिस और जेट जो कंपनियां हैं उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है डिमोलिशन का, लेकिन वो इतने नज़दीक हैं, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको दिल में डर लगता है। और इसमें कोई शक नहीं है, डर लगना भी चाहिए क्योंकि इतना क्लोज है और वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है। 50 मीटर के एरिया में जो क्रिटिकल जोन बता रहे हैं उसमें 3 टावर आती हैं और 3 टावर में करीब 150 परिवार हैं। उन्होंने तो प्रिकॉशंस ली हैं, लेकिन CBRI ने भी जो है वो ओवरसी किया है, सुपरविजन किया है, और जो भी उनको डाउट थे वो पूरे वो करा रहे हैं। जैसे कि हम उन टावर्स पे जो नज़दीक टावर्स हैं उसका स्ट्रक्चरल जो वो वीक था तो उसको ऑडिट कराया है, उसको रिपेयर कराया है। अभी 50 कॉलम जो हैं लगभग वो रिपेयर हो रहे हैं, और जिससे कि डिमोलिशन से पहले वो सुनिश्चित किया जाए कि वो काफ़ी स्ट्रांग है और कोई भी वाइब्रेशन को रहने के लिए तैयार है। 28 अगस्त को सुबह 8 बजे हमें पूरा सोसाइटी को वैकेट करना है। उसके अंदर कोई भी चाहे जो डॉग हो, चाहे आदमी हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे कार हो, वो सब कुछ 8 बजे सुबह यहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद में शाम को 5 बजे तक जो है शायद लोग बाग वापस आएंगे, लेकिन 5 बजे भी आना बहुत मुश्किल है क्योंकि एज पर द रिपोर्ट ऑफ एडिफिस जो इसमें डस्ट होगा वो आधा इंच 1 इंच तक पूरी सोसाइटी में डस्ट फैल जाएगा। तो ऐसे हालात में लोगों को सुबह शाम को 5 बजे 6 बजे वापस आना बहुत मुश्किल होगा। हमने पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको डस्ट को किस तरह को निकालेंगे। तो हम अब एडवाइस कर रहे हैं कि लोग बाग के 29 को आएँ, तो हमारी मीटिंग शायद मंडे को होगी नोएडा अथॉरिटी के साथ में, तो उसमें हम ये पॉइंट उठाएंगे कि कुछ मदद खासतौर से साफ़ सफाई के बारे में मिल जाए तो काफ़ी होगा, क्योंकि अभी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रीन एरिया के लिए तो एडिफिस सामने आ गया है कि हम लोग जो हैं उसका खर्चा उठाएंगे। तो हम लोग उस ग्रीन एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपना आदमी प्लस उसका मटेरियल जो है परचेज कर रहे हैं, जिस क्योंकि उन्होंने हमें 3 लाख रुपए दे दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। नोएडा सेक्टर 93A में सुपरटेक के जो ट्विन टावर हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराए जाएंगे। यानी कि अब सोचिए, वो 28 अगस्त तारीख तय की गई है, जब मेरे पीछे ये जो मंजिला आप सोचिए 40 मंजिला 2 टावर्स हैं, वो इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और उसके आसपास जो टावर्स हैं जो पहले से मौजूद थे उनकी अगर इस वक्त अभी हम तस्वीर दिखाएं तो उनको एक बार ढक दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से जो पूरी प्लानिंग की गई है वो यह है कि ये 40 मंजिला जो 2 टावर्स हैं इनमें बारूद भरा जाएगा, वो होल्स कर दिए गए हैं और उनको इसी जगह पर यहाँ से खड़े खड़े ये बिल्डिंग एकदम ध्वस्त होगी। उसी जगह पर एक धूल का बड़ा गुब्बार जरूर नजर आएगा, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग को महज 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म करने के लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। लेकिन आसपास की सोसाइटीज में इस वक्त घर जो देखें, जो लोग हैं वो रहते हैं, उनके लिए जो चिंताएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। और लगातार अब उसको बचाने के लिए कि जिस दिन यानी कि 28 अगस्त को जब ये जो इमारतें हैं यानी कि 40 मंजिला इस वक्त ये दोनों टावर को गिराया जाएगा तो आसपास उसका कोई फर्क ना पड़े। अभी हम सबसे
उससे पहले अगर आपको वो दूरी दिखाएं किस तरह से है, तो वो जो टावर है वो गिराया जाएगा, उस पर आपको ये सामने काले कपड़े नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ अभी इनमें लगभग जो आप सोचिए 3,500 किलो जो बारूद है वो भरा जाएगा। 10,000 से ज्यादा जो होल्स हैं इस बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे किए गए हैं, जिनमें अब बारूद भरने का वो काम है वो शुरू हो चुका है। लेकिन महज 9 मीटर की ही दूरी है, पास में अगर हम देखें तो इस टावर से महज 9 मीटर की दूरी है जहां पर लोग अभी भी रहते हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो ये टावर हैं, वो क्या शॉक झेल पाएंगे, इस चीज को लेकर सबसे बड़ी जो चीज थी वो इस वक्त चिंता की थी। और अब वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, यानी कि इस बिल्डिंग को तो गिराया जाएगा ही, लेकिन आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर स्ट्रेंथनिंग है उसको इस वक्त मजबूत किया जा रहा है। आप सोचिए उसकी इस वक्त जरूरत है, क्योंकि आसपास की जो बिल्डिंग्स जो टावर्स हैं क्या वो शॉक झेल पाएंगे। अगर आसपास थोड़ी सी भी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जब ये बिल्डिंग्स गिरेंगी, तो आसपास के लोगों के घर उनका क्या, उसको लेकर इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं। और 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, इस टावर को, इस 40 मंजिला को गिरा दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसकी पालना करने के लिए सभी अथॉरिटीज लगी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया।